नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। गुजरात के मोरबी का मशहूर झूलता हुआ पुल रविवार को ढह गया। इस हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य फिलहाल जारी है, लेकिन अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर अब इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बता दें कि गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से पहले इस तरीके के हादसे का हो जाना कहीं ना कहीं राज्य के लिए सही नहीं है। ऐसे में ट्विटर पर तो वार हो ही रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। देखिए, मोरबी की घटना बिल्कुल यह एक दुखदायी घटना है और यह घटना पूरे देश का दिल दहला देने वाली घटना है। यह घटना कोई प्राकृतिक घटना नहीं, आपदा नहीं, बल्कि यह भाजपा द्वारा निर्मित आपदा है। और हम इसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए गुजरात में 141 से भी ऊपर लोगों की जाने ली है, तो स्वाभाविक तौर पे इसमें गुजरात सरकार दोषी हैं और गुजरात सरकार के ऊपर FIR होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर इस पूरी घटना को आपदा ना बताते हुए बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जब हमने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से बात की तो उन्होंने क्या कहा, वो आप सुनिए। देखिये, गुजरात में जो रोपवे की दुर्घटना हुई वो बहुत दुखद थी। सैकड़ों लोगों की जाने चली गई। सबसे पहले हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिजनों को शक्ति दे इस अपार दुख को सहने की। और इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपदा है और इस पर अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है तो यह बहुत ही गैर उचित है। राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच की घोषणा की है, वो कमेटी की रिपोर्ट को आने दीजिए। केंद्र सरकार भी लगातार पूरे मामले पर नजर रखी हुई है, इसके कारणों के तह तक जाएंगे और जब तक ये सामने रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस तरह का बयान देकर कांग्रेस जो लाश पर राजनीति करने की अपनी पुरानी राजनीतिक परंपरा रही है उससे आज भी बाज नहीं आ रही है। उन्हें आज जो मृतक हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहिए, राजनीति नहीं। देखिए, ऐसा है ना, चुनाव के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए मेरी समझ में। अब इतनी पुरानी पुल है, अब मान लो गिरना ही है ये, तो अब मेंटेन अगर सही होता हो सकता है ऐसा हाथ। और कुछ ऐसे कि जितनी कैपेसिटी थी 400 आदमी ऊपर में पुल में चढ़ गए, उसकी कैपेसिटी 135 आदमी की जी। तो पुल गिरना ही ऑटोमेटिक, कुछ लोगों को बचाया भी जा सका जी। ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये होगा वहाँ 400 आदमी चढ़ा दो तो क्या होगा, मेन चीज तो पुल का देख रेख करने वाले का गलती है ना। हाँ, चुनाव भी होने वाले हैं। हाँ ठीक है, चुनाव होने वाले हैं, पुल तो चुनाव से थे, इसको तो कोई नहीं कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है ना जी। मेन तो इसका है कि वो क्या हुआ जानते हैं, अब जरूर टिकट कर दिए 12 रुपया 17 रुपया अलग अलग ये के अनुसार थी है ना। हाँ, बहुत बहुत दर्दनाक हुआ है, मतलब 177 लोग डेथ कर गए हैं है ना। हाँ, कितना घायल है। तो एकदम पैसे का लालच है ही, तो और क्या, वही दुखद घटना है। इसकी लापरवाही की वजह से तो देखिए ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसकी लापरवाही? ये तो जो बनाया है उसी लापरवाही से हुआ है। गुजरात की इस घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और दुख व्यक्त किया है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो भले ही एक दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हों, लेकिन उनकी संवेदना जो है इस वक्त जो है वो गुजरात की इस घटना पर जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के भी उनकी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब देश भर में राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम नेता ट्वीट करके लगातार इस घटना की निंदा कर रहे हैं और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मामला कितना राजनीतिक रंग लेता है। सहयोगी पूजा के साथ रेखा मिश्रा की रिपोर्ट।